छठ का चार दिन का जो त्यौहार है वो कल से शुरू हो गया है और छठ दिल्ली वालों के लिए, यहाँ पे रहने वाले हमारे पूर्वांचली भाइयों बहनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। इसीलिए दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, छठ पर बहुत भव्य आयोजन करती है। दिल्ली के मोहल्ले में हर कॉलोनी में छठ के घाटों का इंतज़ाम किया जाता है, कृत्रिम घाट बनाए जाते हैं। हम मयूर विहार फेस 3 में हैं, यहाँ पे एक बहुत बड़े स्तर पे DDA ग्राउंड्स में तालाब बनाए गए हैं, जो हमारे छठ के व्रती हैं उनके लिए इंतज़ाम किया गया है। इसी तरह तकरीबन हज़ारों घाट, हज़ार से भी ज़्यादा घाट पूरी दिल्ली भर में बनाए गए हैं। यहाँ पे घाट का इंतज़ाम, पानी का इंतज़ाम, टेंट का, लाइट का, साउंड का सारा अरेंजमेंट अरविंद केजरीवाल जी की सरकार द्वारा किया जा रहा है। देखिए, तकरीबन 1000 घाट हैं जो दिल्ली सरकार द्वारा बनाए गए हैं। इसके अलावा कई घाट हैं जो MCD द्वारा भी बनाए गए हैं। तकरीबन सब जगह तैयारी पूरी हो गई है। जो हमारे घाट हैं वहाँ पर खुदाई हो गई है, पानी भरा जा रहा है, टेंट का अरेंजमेंट हो गया है, लाइट साउंड का अरेंजमेंट हो गया है। कल सुबह तक सारे अरेंजमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। कल शाम को यहाँ पे व्रती आएंगे, पानी में अर्घ चढ़ाएंगे सूर्य देवता को। तो दिल्ली सरकार की तरफ से अरेंजमेंट सारे कंप्लीट हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है तो कोई भी कमी ना छूट जाए, इसके लिए हमारे सारे मंत्री, हमारे सारे विधायक, हमारे सारे पार्षद, पूरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट आज दिल्ली के हर हिस्से में ग्राउंड पर है, ये देखने के लिए कि छठ की सारी तैयारी हो और इस महापर्व की तैयारी में कोई भी कमी ना छूट। देखिए, इस ग्राउंड में तकरीबन 25-30 हज़ार लोग आते हैं छठ की पूजा के लिए। तो यहाँ पे 8 तालाब जो बने हैं, 8 घाट बने हुए हैं जहाँ पे पूजा की जा सकती है। पुलिस भी यहाँ पे मौजूद है, अभी हमारे साथ यहाँ पे ACP भी आए हुए हैं जिन्होंने पूरा दौरा किया है। तो दिल्ली पुलिस भी यहाँ पे मौजूद रहेगी, पूरे एरिया में CCTV कैमराज भी लगाए जाएंगे। उसके अलावा दिल्ली सरकार के होम डिपार्टमेंट के होम गार्ड्स का भी अरेंजमेंट किया जाएगा, क्योंकि एक छोटे से समय में काफ़ी सारे हमारे व्रती छठ के लिए यहाँ पे आते हैं, तो कोई भी उनको दिक्कत ना हो किसी प्रकार की, उसके लिए हर इंतज़ाम दिल्ली सरकार द्वारा किया जा रहा है।